स्कूलों में पढ़ने वाले वो बच्चे जो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं या फिर किसी भी तरह से ड्रग एडिक्टेड हैं, उनकी एक लिस्ट जो है तैयार करने के ऑर्डर्स जो हैं तमाम स्कूल वालों को दिए गए हैं। आपको बता दें, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो उनकी तरफ से जो है एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें हर एक जो स्कूल है उनके जो है जो भी हेड हैं उस जो है इंस्टीट्यूशन के, उन जो है लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो है ये कहा गया है कि उन बच्चों की एक लिस्ट जो है वो तैयार की जाए जो बच्चे सिगरेट्स पीते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई नशा जो है वो करते हैं। आखिर क्या कुछ जो है इसके पीछे कारण है, क्या कुछ जो है इन बच्चों की जब लिस्ट जो है तैयार होगी तो उसके पीछे जो है क्या कुछ कारण जो है वो रखा गया है, तो इसमें आपको बताएं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये कहा गया है, क्योंकि अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो लगातार जो है जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो जो है नशे की ओर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और नशे की आदत जो है उन्हें काफी ज्यादा पड़ रही है। और अब जो है नशा मुक्त जो अभियान है ये भी जो है हर बार चलाया जाता है और युवाओं को कहीं ना कहीं जो है समझाने की भी कोशिश की जाती है कि आप नशे से दूर रहें। और ऐसा ही एक मोटिव लेकर जो है अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है कुछ काम करने वाला है, जिससे जो भी स्कूल्स में जो बच्चे हैं जो नशा करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं या किसी भी तरह का कोई अगर ड्रग लेते हैं, उनकी लिस्ट जो है हर एक स्कूल जो है वो तैयार करेगा और उसके बाद जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इन बच्चों के लिए जो है काउंसलिंग करवाई जाएगी, ताकि इन बच्चों को जो है ये जो इनकी लत जो नशे की लगी है उसे जो है इन्हें छुटकारा पाया जा सके। आपको बताएं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से जो है ये कहा गया है कि स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो ZDOs हैं या जो जो है यहाँ पर जो हेडमास्टर्स हैं स्कूल्स के, उनको ये ड्यूटी दी गई है कि वो जो है एक जो लिस्ट जो है वो तैयार करेंगे अपने तमाम स्कूल्स की, और उसके बाद जो है एक सर्वे जो है वो भी किया जाएगा तमाम, अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल के आसपास 100 यार्ड्स के अंदर जो है अगर कोई दुकान ऐसी है जहां पर सिगरेट्स या ऐसा कोई भी ड्रग जो है अगर बिकता है उन पर भी जो है नजर रखी जाएगी। और ये कहा गया है कि वो जो दुकान है जो 100 यार्ड्स के अंदर अंदर जो है वो आती है, उन वहां पर जाकर भी जो है बात की जाए, उन दुकानदारों से जो है बात की जाए और ये नजर रखी जाए कि कोई भी आसपास के स्कूल का कोई बच्चा जो है क्या वहां पर किसी भी तरह का कोई नशा खरीदने के लिए आता है। और इसी बीच जो है जहाँ पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर की अगर बात करें तो उनकी तरफ से जो है ये भी कहा गया कि ये उनकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, उनकी एक ड्यूटी जो है ये बन जाती है कि स्टूडेंट्स को जो है बच्चों को सही शिक्षा जो है वो दी जाए, और अगर कोई भी बच्चा जो है बुरी आदतों में फंसा है या अगर वो नशा करता है तो भी अध्यापकों की, टीचर्स की ये ड्यूटी बनती है कि उसे जो है इस लत से बाहर निकाला जा सके। इसी के साथ उन्होंने जो है ये भी कहा कि एक टीचर जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी जो है काम करता है, और इसीलिए एक टीचर जो है ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है बच्चे की मानसिकता को जो है सही करने के लिए और बच्चे को जो है सही दिशा में जो है उसे लाने के लिए। तो इस लिहाज से भी ये टीचर्स का फर्ज है कि जो भी बुरी चीजें जो सोसाइटी में चल रही हैं उससे जो है युवाओं को बाहर निकालना जो है उनका काम है। और जहां पर एक लिस्ट जो है जहां तैयार करने के लिए कहा गया है, उन बच्चों के नाम जो है लिखने के लिए कहा गया है, साथ ही वो जो दुकानें हैं उन जो भी जहां पर ये सिगरेट्स जो है बिकती हैं स्कूल के आसपास की अगर कोई दुकानें हैं या फिर किसी भी तरह का कोई इल इफेक्टिव सब्सटेंस, यानी कि अगर किसी भी तरह का कोई ड्रग भी अगर वहां पर बिकता है तो उसे जो है वो उन उन दुकानों की लिस्ट जो है वो भी तैयार की जाए और 5 दिन के अंदर ये लिस्ट जो है ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है देने के ऑर्डर्स जो है ये कहे गए हैं। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स जो है नशे में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनकी एक प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग जो है वो की जाएगी, ताकि समय रहते इन बच्चों को जो है नशे की इस बुरी आदत से बाहर निकाला जा सके। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, जिस तरह का कदम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है उठाया जा रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। चलिए अपडेट में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।